एक गांव में एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ने हार्ड तोड़ मेहनत की, दिन रात काम करके एक अच्छा सा घर बनाया, कुछ खेत भी खरीद लिए। मेहनत की कमाई से इन्होंने गांव के बाहर दो प्लॉट भी खरीद लिए। लेकिन जब इन दोनों का बेटा जवान हुआ तो उसने इन बेचारों की सारी संपत्ति बेच डाली, खेत खलिहान भी नीलाम कर दिए। अपने बुजुर्गों की कमाई संपत्ति को यूं बेच खाने वाले बेटों को आम भाषा में लायक नहीं कहते। क्या कहते हैं ये आप बेहतर जानते हैं। ऐसे ही बेटों ने आजकल पूरे देश की सेल लगा रखी है। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉकेट की रफ्तार से हो रहे प्राइवेटाइजेशन की। 200 साल तक बुरी तरह लूटे हुए भारत ने आजादी के बाद किसी तरह खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया था। बड़े बड़े कारखाने बनाए, सरकारी कंपनियां बनाई और राष्ट्र निर्माण में इन सरकारी संस्थानों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हम विश्वगुरु तो नहीं बन पाए, लेकिन लड़खड़ाकर ही सही देश तरक्की के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, सरकारें आती जाती रही। लेकिन फिर लोकतंत्र का जश्न मनाने एक महापुरुष आए। उन्होंने देश को अच्छे दिनों का सपना दिखाया, देशवासियों को 70 साल की बदहाली और गुर्बत का हवाला दिया, चुनावी सभाओं में जोर जोर से कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। लेकिन राजगद्दी पर बैठने के बाद इस महापुरुष ने देश की ही सेल लगा दी। सेल समझते हैं ना आप लोग? अरे जहां खूब सारा सामान कम दाम पर मिलता है। आजकल देश की सरकारी कंपनियों की भी सेल लगी है, खूब सारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, हर माल बिकाऊ है। देश का होनहार बेटा बुजुर्गों की कमाई संपत्ति को नीलाम कर रहा है। ताजा खबर यह है कि मोदी सरकार 26 और सरकारी कंपनियों को बेचने जा रही है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार पब्लिक सेक्टर की 26 कंपनियों को नीलाम करेगी। इन कंपनियों के नाम हैं: प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, पवनहंस लिमिटेड, बीएनआर कंपनी लिमिटेड, एयर इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्लेम स्टील प्लांट, भद्रावती स्टील प्लांट, दुर्गावती स्टील प्लांट, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, नागरनर स्टील प्लांट ऑफ एनडीएमसी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, एचएलएल लाइफ केयर, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। इतनी लंबी लिस्ट सुनकर आप तो पक्का बोर हो गए होंगे, लेकिन सरकार को इनकी बोली लगाने में बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी को यकीन हो गया है कि वो अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए सब कुछ अभी बेच देना चाहते हैं। अब सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई। इन कंपनियों के निजीकरण से सबसे पहले तो बड़ी संख्या में नौकरियां जाएंगी। जो प्राइवेट ग्रुप इन कंपनियों की बोली लगाएंगे वो नौकरियां तो देंगे, लेकिन 10 लोगों का काम 5 लोगों से कराएंगे और वे सारी सुरक्षाएं खत्म हो जाएंगी जो सरकारी नौकरी में मिलती हैं, यानी हाजी की नौकरी और नाजी का घर। एक तरफ सरकार धड़ल्ले से निजीकरण कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकारी नौकरियों में भी पेंशन, बीमा, मेडिकल जैसी सुविधाएं खत्म हो रही हैं। सरकारी नौकरी वालों की पेंशन तो वाजपेयी सरकार में ही खत्म कर दी गई थी। अब मोदी जी देश हित में कुछ और कड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन विकास की ये कड़वी दवाई आपको ही पीनी होगी। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बुरा असर एससी एसटी और ओबीसी पर पड़ेगा। आरक्षण की बदौलत बहुजन समाज के कुछ लोग सरकारी नौकरियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही कंपनियां प्राइवेट हुई किसी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। हाँ, प्राइवेट कंपनियों में आपका सरनेम देखकर नौकरी मिल सकती है, शर्त यही है कि आप एक जाति विशेष से संबंध रखते हों। वैसे यहां एक सवाल यह भी है कि जब सरकारी कंपनियां बहुत बुरी हालत में हैं, कोई प्रॉफिट नहीं दे रही, तो फिर अंबानी अडानी जैसे अमीर लोग उन्हें खरीद क्यों रहे हैं? घाटे की कंपनी को क्यों खरीदा जाए?
और अगर कंपनियां प्रॉफिट दे रही हैं तो सरकार उन्हें बेच क्यों रही है। पीएम मोदी जिस ट्रेन में चाय बेचने का दावा कर प्रधानमंत्री बन गए, उस रेलवे की भी नीलामी हो रही है। बाकायदा बोलियां लग रही हैं कि कौन सी ट्रैक पर कौन प्राइवेट ट्रेन चलाएगा। ट्रेन के अलावा रेलवे स्टेशन भी प्राइवेट हो रहे हैं, यानी जो प्लेटफॉर्म टिकट आप 5-10 रुपए में खरीदते थे, अब उसके लिए 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। सरकार इंश्योरेंस कंपनियों का भी किस्तों में निजीकरण करने की योजना बना रही है। अभी सरकार के पास इंश्योरेंस से जुड़ी कुल 8 कंपनियां हैं, जिसमें से सरकार 6 का निजीकरण कर देगी। इसके अलावा सरकारी बैंकों को भी अपने दोस्तों को गिफ्ट करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि सरकार बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक को प्राइवेट बना देगी। फिर इनका हाल भी शायद यस बैंक जैसा होगा। सरकार हवाई अड्डों को बेचने की भी मन बना चुकी है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह चुके हैं कि सरकार को ना ही एयरपोर्ट संभालने चाहिए और ना ही एयरलाइंस, यानी एयर इंडिया के साथ साथ सरकारी एयरपोर्ट्स भी प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है, बाप का, दादा का, पोते का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। उसी तरह प्रधान सेवक जी भी कह रहे हैं, एयर इंडिया, एयरपोर्ट्स, रेलवे, बैंक्स, इंश्योरेंस सब बेच देगा रे तेरा पीएम। मोदी जी का बस चले तो सरकारी कंपनियों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दे। लेकिन मोदी जी, अगर ऐसा आइडिया दिमाग में आया हो तो सावधान हो जाइए। अमेजन जैसी कंपनियां ऑनलाइन शॉपिंग में पप्पू भी बना देती हैं। हमने 1.5 लाख का कैमरा खरीदा था लेकिन फटे हुए जूते थमा दिए। पैसे मांगो तो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खैर, अमेजन से तो ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन तथागत लाइव ब्लॉग चैनल चलाने वाले अंजुल की वेबसाइट से मैंने ये टी शर्ट मंगवाई। यहाँ मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। इस पर जो चश्मा छपा है वो बाबा साहब का है और लिखा है बी एजुकेटेड, यानी शिक्षित बनो। टी शर्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ कि बहुजनों को ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजन जैसा ब्रांड बनाना चाहिए। अगर आप ये टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप खरीद सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इसी तरह कंपनियां खरीदने के लिए भी मोदी जी अपने दोस्तों को नमो ऐप पर कोई लिंक जरूर भेजते होंगे। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। साथ ही आप हमें Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए अकाउंट डिटेल्स में हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।